हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल किचन खुराना विद लव शॉप। तो चलिए आज बनाते हैं एक और मैंगो की कुल्फी। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको मेरी सभी रेसिपी का नोटिफिकेशन टाइमली मिलता रहे। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। इसके लिए हमें चाहिए आम। तो ये एक मैंने बड़े साइज़ का आम ले लिया है। अभी हम इसकी प्योरे बना के तैयार कर लेंगे। तो मैंने इसकी प्योरे बना के तैयार कर ली है, एकदम परफेक्ट प्योरे बन के तैयार हो चुकी है। तो चलिए आगे चेक करते हैं। सबसे पहले एक पैन में हम ऐड करेंगे 2 कप दूध, और इसको हमने बॉईल करने के लिए रख देना है। और एक साथ पैन में हम प्योरे भी ऐड कर देंगे और इसको हमने कुक करना है थिकन होने तक, जब तक ये अच्छे से थिक ना हो जाए। तो दूध में हम ऐड करेंगे थोड़ी सी चीनी, 1/4 कप चीनी का इस्तेमाल किया है मैंने। और साथ के साथ हमने मैंगो प्योरे को कंटिन्यूसली चलाते हुए थिक कर लेना है, और जैसे ही ये थोड़ी थिक हो जाएगी गैस की फ्लेम को ऑफ कर देंगे। और दूध को हमने बॉईल करना है और इसको हमने रिड्यूस करना है जब तक कि ये थोड़ा गाढ़ा ना हो जाए। साइड की मलाई हम हटाते रहेंगे और इसके अंदर ही ऐड करते रहेंगे। इसके बाद 2 चम्मच कस्टर्ड पाउडर लेंगे और इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करके हम उसकी स्लरी तैयार कर लेंगे, और इसको हम दूध के अंदर ऐड करेंगे और दूध को अच्छे से मिक्स कर देंगे ताकि अच्छे से दूध जो है थिकन हो जाए। कंटिन्यूसली चलाते हुए हमने इसको मिक्स कर देना है, और उसके बाद हम गैस की फ्लेम को ऑफ कर देंगे और दूध को हमने ठंडा होने के लिए रख देना है। जब दूध ठंडा हो जाएगा उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे मैंगो की प्योरी। तो ये मैंगो की प्योरी ही मैंने दूध के अंदर ऐड कर दी है, इसको भी हमने अच्छे से मिक्स कर देना है। ये दूध काफ़ी थिक हो चुका है इस वक्त। हमें चाहिए कुल्फ़ी मोल्ड और कुल्फ़ी स्टिक। तो मोल्ड के अंदर हम इसको ऐड करेंगे। तो इसके बाद हम इसमें कुल्फ़ी स्टिक इंसर्ट कर देंगे। ये काफ़ी थिक है तो ऐसे ही कुल्फ़ी स्टिक अच्छे से इसके अंदर सेट हो जाएगी, और इसको हम फ्रीज कर देंगे ओवरनाइट के लिए या 8 से 10 घंटे के लिए। उसके बाद हम इसको डीमोल्ड करने के लिए ले लेंगे। तो कुल्फ़ी हमारी काफ़ी अच्छे से सेट हो चुकी है, तो इसको डीमोल्ड कर लेंगे। तो ये हमारी कुल्फ़ी बनके तैयार हो चुकी है। तो दोस्तों, आज मैंने आपके साथ शेयर की मैंगो की कुल्फ़ी की नई रेसिपी। तो अगर आपको ये मेरी रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।